नमस्कार दोस्तों, मैं पहला सारी आप देख रहे हैं हमारा जो भी लाइव पढ़ने की इस दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ खासकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में 251 फीट लंबी तिरंगा झंडा कावड़ को देखने के लिए लगा जनसैलाब। चल रहे कावड़ महोत्सव में आज 251 फीट तिरंगे के झंडा कावड़ को देखकर सभी आश्चर्य रह गए। इतने लंबे झंडे कावड़ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। झंडी कावड़ यात्रा ले जा रही भोले ने बताया कि हमने हर साल बनती, इस साल भी जनपद बागवत में कठी गाँव में चलकर हरिद्वार तक का सफर किया। वहाँ से हम गंगा जल लेकर लौटते हुए में हम किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। प्रशासन तरह अलर्ट, प्रशासन की तरफ से किसी भी कोई कमी नहीं देखी गई। प्रशासन की तरफ से कावड़ भक्तों के लिए पूर्ण स्थापित हुई है। हमने भी देखा कि प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट, भक्तों को सुरक्षा के लिए किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई। हर वो उपाय की जा रही है जिससे कावड़ भक्तों के कावड़ मार्ग से कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी साहब श्रीमती सिलिविया कुमारी जी ने लगातार सड़कों की निरीक्षण कर रही है और दे रही है अपने अवस्था के निर्देश। तो वहीं सरकार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक यादव भी कोई कमी नहीं छोड़े। घुड़सवारी और ऐसे बाइक चलाकर कर रहे हैं बारीकी से निरीक्षक, सुरक्षा को लेकर नहीं छोड़ रहे कोई भी और कसर। वहीं स्कूटी गाड़ी के बच्चे भी कर रहे हैं जीव जान से कावड़ियों की सेवा। बाइक मनीष झंडा कावड़े बोला। आपका मनीष बोले जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? आपको सड़क किसी तरह की कोई परेशानी नजर आई आपको? प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई? ये आपका जो आप झंडा वाले कावड़ लेके आए, इसका मकसद क्या है? झंडा वाले ये हमारे